मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ओवा होता है, जो वेडिंग ड्रेस पहने हुए अपने आप को आईने में देख रही होती है और अचानक से मेकअप करते हुए रुक जाती है और पीछे चल रहे न्यूज को सुनती है कि तुर्की के संविधान से डेथ पेनल्टी को हटाने की बात हो रही है और बताया जाता है कि आखिरी बार फांसी की सजा 1984 में दी गई थी। यह सुनकर ओवा ड्रॉअर खोलती है और उसमें से एक मेटल के सिगरेट बॉक्स को निकालती है और फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें 1983 का समय दिखाया जाता है जब ओवा छोटी होती है और वह स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है। जहां स्कूल खत्म होने के बाद ओवा अपने फादर के पास जाती है जिसका नाम मेमो होता है और वह थोड़ा दिमाग से कमजोर होता है और उसका व्यवहार किसी छोटे बच्चे की तरह होता है। ओवा के क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन बच्चों को उनकी टीचर माइंड रोकती है, जिसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, जहां ओवा को रास्ते में एक शॉप में रेड कलर का काफी सुंदर बैग दिखता है और वह अपने डैड को उसे लेने के लिए कहती है, जिसके बाद मेमो उस बैग की कीमत पूछता है, लेकिन उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते, पर वह शॉपकीपर को कहता है कि वह इस बैग को रखे रहे क्योंकि वह बाद में इसे जरूर खरीदने आएगा। जहां घर आने के बाद ओवा अपनी दादी से पूछती है कि उसके डैड दूसरों से अलग क्यों हैं, जिस पर उसकी दादी कहती है कि मेमो का दिमाग किसी बच्चे की तरह है और तुम्हें भी उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो मेमो का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। जिसके अगले दिन सुबह दादी और मेमो मिलकर स्वीट एप्पल बनाते हैं ताकि वह दोपहर में होने वाले परेड में उसे बेच सके। जहां ओवा अपने डैड को कहती है कि उन्हें वह बैग खरीदनी है, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मीठे से बेचना है ताकि वह उसे खरीद पाए। जिसके बाद ओवा परेड में शामिल होती है और मेमो से बेचना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आर्मी जनरल वहां पहुंचता है, जहां सभी ऑफिसर उसका स्वागत करते हैं। वहीं हम एक सोल्जर को देखते हैं जो जूते का फीता बांधने का नाटक करता है और जब उसका ग्रुप आगे बढ़ जाता है तो वह सोल्जर वहां से भाग जाता है और परेड भी शुरू हो चुकी होती है। परेड करते वक्त वह अपने डैड को देखती है और उसके डैड उसे पैसे दिखाते हुए कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। जहां परेड खत्म होने के बाद मेमो और ओवा उस बैग को खरीदने के लिए उस शॉप की ओर भागते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि वह बैग पहले ही किसी ने खरीद लिया है और वह कोई और नहीं बल्कि जनरल की बेटी सेजा होती है। उस तरीके का बैग सिर्फ उस दुकान में एक ही होता है, जिस कारण मेमो आर्मी जनरल से रिक्वेस्ट करता है उस बैग के लिए और उन्हें पैसे भी ऑफर करता है और कहता है उसे वह बैग अपनी बेटी के लिए चाहिए और वह सेजा के बैग को पकड़ लेता है, लेकिन उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ती है जनरल की ओर से और मेमो वहीं गिर जाता है। जहां अगले सीन में जनरल अपनी फैमिली के साथ नदी किनारे पिकनिक मना रहा होता है, जहां मेमो भी अपने भेड़ बकरियों को खोजते हुए वहां पहुंच जाता है, जहां से जब बैग पहने हुए मेमो के सामने आ जाती है और वह जानती थी कि मेमो को वह बैग चाहिए, जिसके बदले वह उसके साथ खेलना शुरू कर देती है और खेलते खेलते सेजा एक बड़े से चट्टान के किनारे पहुंच जाती है और उसका पांव फिसल जाता है और चट्टान से टकरा कर नदी में गिर जाती है और मेमो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे लेकर किनारे पहुँचता है, लेकिन तब तक सीजा की जान जा चुकी होती है। दूसरी तरफ सीजा की मॉम देखती है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है। बच्चों से पूछने पर उसे मेमो के बारे में पता चलता है कि वह उसके साथ खेल रही है और जनरल इस बात को सुनकर अपनी बेटी को खोजने के लिए निकल जाता है। उसी वक्त जनरल उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और कस्टडी में ले लेता है।
यह सोच करके कि उसी ने सेजा को मारा है और मेमो को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उसकी काफी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है और उससे जबरदस्ती गुनाह कबूल कराया जाता है, जहां जनरल भी उसे अकेले में इंट्रोगेट करता है और गुस्से में उसकी खूब पिटाई करता है। वहीं रात के वक्त दादी और ओवा उसे खोजते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि मेमो को गिरफ्तार कर लिया गया है जनरल की बेटी के हत्या के मामले में। जहां दादी उन सभी से बात करने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि मेमो ऐसी हरकत नहीं कर सकता क्योंकि वह दिमागी रूप से एक बच्चा है, लेकिन गार्ड उसकी एक भी बात नहीं सुनता। कोई ना चारा देखते हुए दादी और ओवा रात भर स्टेशन के बाहर ही गुजार देते हैं, जिसके अगले सुबह ओवा ट्राई करती है अपने डैड से मिलने के लिए, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कुछ देर बाद गार्ड्स मेमो को लेकर आते हैं और कार में बिठाकर जेल की ओर ले जाते हैं। मेमो को जाते वक्त अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वह कहता है कि एक आंख वाले राक्षस ने वहां सब कुछ देखा है जो नदी किनारे हुआ था। यह सुनने के बाद वह अपनी दादी को एक आंख वाले राक्षस के बारे में बताती है और बिना समय गवाए उस नदी किनारे पहुंच जाती है और एक पुराने जर्जर किले में जाती है। दूसरी तरफ मेमो को जेल में ले जाया जाता है, जहां वह ऑफिसर जिसका नाम फारूक होता है, वह जेलर को जिसका नाम नील होता है, उसे मेमो के साथ जितना हो सके उतना टॉर्चर करने को कहता है। दूसरे सीन में ओवा उस किले में पहुंच चुकी होती है, जहां उसे वही भागा हुआ सोल्जर मिलता है जिसका नाम ऑस्कर होता है। ओवा उससे पूछती है कल हुए एक्सीडेंट के बारे में, जहां वह सोल्जर बताता है कि तुम्हारे फादर बेकसूर हैं। वह तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और उस बच्चे की मौत गिरने की वजह से हुई थी। यह सुनकर ओवा खुश होती है और वह कहती है वह अपनी दादी को भी कल यहाँ लेकर आएगी। दूसरी तरफ मेमो को जेल में कैदियों के बीच ले जाकर छोड़ दिया जाता है। सभी कैदियों में से एक कैदी जिसका नाम ओस्कारो होता है, वह ऑफिसर से पूछता है कि इस नए कैदी का जुर्म क्या है और ऑफिसर के बताने पर ओस्कारो यह जानकारी सभी कैदियों को बताता है, जिसके बाद वह सारे कैदी मिलकर उसे अकेले में बांधकर काफी बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके अगले दिन वह अपनी दादी के साथ उस जगह जाती है, लेकिन वह सोल्जर वहाँ नहीं होता और वह काफी उदास हो जाती है उसे वहाँ ना पाकर। दूसरी तरफ मेमो की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, जहाँ ऑफिसर नील उसे किसी और जेल में शिफ्ट करने की बात कहता है, लेकिन जनरल उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे जल्द ही फांसी होने वाली है तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बाद जेलर सभी कैदियों को मेमो से दूर रहने को कहता है और उस जेल में जिसकी सबसे ज्यादा चलती थी उसका नाम ओस्कारो होता है और उसमें से एक कैदी जिसका नाम यूसुफ होता है, ओस्कारो उसे काफी मानता था, लेकिन यूसुफ हमेशा दीवार में एक अजीब से निशान को देखता रहता था। और हाफिज भी उन्हीं कैदियों में से एक होता है जो लोगों को जीवन की इच्छाओं का पाठ पढ़ाता है, और इसी तरह 10 दिन गुजर चुके होते हैं। वह अभी भी उस सोल्जर के इंतजार में होती है ताकि वह आकर सभी को सच्चाई बता सके, लेकिन वहाँ उसकी क्लास टीचर माइन आ जाती है और उससे कई दिनों से स्कूल ना आने की वजह पूछती है, जहाँ वह उसे अपने डैड के बारे में बताती है। उसकी टीचर उसे रोज स्कूल आने को कहती है और उसे उसके डैड से मिलाने का वादा करती है। दूसरी तरफ कोर्ट में भी उसके खिलाफ गवाही देने के कारण उसे दोषी पाया जाता है और उसे फांसी की सजा मिलती है। यह सुनकर ओवा की दादी बहुत रोती है, जिसके बाद माइन जेल में दादी और ओवा को मेमो से मिलाने ले जाती है, जहां वार्डन उन्हें जाने से रोकता है, लेकिन जेलर नील उन्हें देख लेता है और उसे उसकी दादी और उसकी बेटी के बारे में पता चलता है और वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है,
लेकिन उसी वक्त ओवा जेल के अंदर चुपके से घुस जाती है और दीवार के पास आकर अपने फादर को पुकारने लगती है, जहां उसकी आवाज सुनकर मेमो भी उसके पास दौड़ा आता है, जहां ओवा उसे एक आंख वाले राक्षस के बारे में बताती है कि उसने सब कुछ देखा था। यह सुनकर मेमो काफी खुश हो जाता है, लेकिन दोनों को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और एक दूसरे से दूर कर दिया जाता है। इसी बीच जेल के सारे कैदी मेमो की इन हरकतों को नोटिस कर रहे होते हैं और देखते हैं कि उसका व्यवहार किसी बच्चे की तरह है और वह उसे गार्ड से छुड़वा कर अपने साथ ले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मेमो अपनी माँ और बेटी को काफी प्यार करता है और वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मेमो बेकसूर है और वे लोग सोचते हैं कि उसकी मौत से पहले वह उसे उसकी बेटी से जरूर मिलवाएंगे, जहां उस दिन के बाद वे सभी कैदी मेमो के साथ काफी अच्छा व्यवहार करने लगते हैं और उसे अपने ग्रुप का एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन उस रात ओस्कोरो पर एक दूसरा कैदी चाकू से हमला करने आता है, लेकिन मेमो बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचा लेता है। मेमो की यह मासूमियत भरी हरकत देकर ओस्कोरो इस एहसान के बदले उसकी बेटी से मिलाने का फैसला करता है और वह अपनी सारी ताकत लगा देता है इस काम को पूरा करने में। वह अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसकी बेटी को अपनी वाइफ के साथ लेकर जेल बुलाता है और वह ओवा को चुपके से जेल के अंदर छुपाकर भेज देता है, ताकि वह अपने फादर से मिल सके, जहां उनका प्लान कामयाब हो जाता है और ओवा अपने फादर से मिलती है और मेमो अपनी बेटी को देखकर गले से लगा लेता है और ओवा उसे उस सोल्जर के बारे में बताती है जिससे वह मिली थी और वह सारी बातें जानता है। दूसरी तरफ दादी ओवा को घर में ढूंढ रही होती है, लेकिन ओवा कहीं भी नहीं मिलती, जहां उनकी नजर एक लेटर पर जाती है जिसमें लिखा होता है कि वह मेमो से मिलने जा रही है। यह पढ़कर ओवा की दादी टेंशन में आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पर गिरकर मौत हो जाती है। वहीं जेल में ओस्कोरो उनकी सारी बातें सुनता है और वह उस सोल्जर को ढूंढने की बात कहता है, जहां वह ओवा को कहता है कि तुम्हारा मिलने का समय अब खत्म हो गया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन ओवा और मेमो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, जिसके बाद ओवा उन सभी के बारे में पूछती है कि वे सभी यहाँ क्यों हैं, जहां वे सभी अपने किए गए अपराध को बीमारी बताते हैं और कहते हैं वे बीमार हैं, इसलिए यहाँ ठीक होने के लिए आए हैं। जिसके बाद ओवा यूसुफ के पास पहुँचती है, जो दीवार की ओर देख रहा होता है, जहाँ वह कहती है कि यह निशान किसी पेड़ की तरह दिखता है। यूसुफ यह बात सुनकर हैरान होता है, क्योंकि उसके अलावा किसी को भी इस निशान के अंदर कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि यूसुफ ने अपनी बेटी को पेड़ के नीचे दफनाया था, इसलिए वह हमेशा उसे देखकर याद किया करता था। जहां अचानक से नेल वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसे ओवा के बारे में पता चल गया था। जहां सभी हड़बड़ी में ओवा को बेड के नीचे छुपा देते हैं और सभी कोई उससे झूठ बोलते हैं कि यहां कोई नहीं है, लेकिन मेमो अपने भोलेपन के कारण बता देता है कि उसकी बेटी इस बेड के नीचे है। जिसके बाद जेलर नेल सभी पर गुस्सा करता है यहाँ के नियम कानून को तोड़ने के लिए और कहता है उन सभी को इसकी सजा मिलेगी। जब जेलर वहाँ से जा रहा होता है, तब ओस्कोरो उसे रोककर उससे मदद मांगता है कि वह मेमो की मदद करे बेगुनाह साबित करने में और उस सोल्जर के बारे में भी बताता है। जिसके बाद नेल ओवा से उस सोल्जर के बारे में पूछता है और वे दोनों उस किले की ओर जाते हैं, जहां उसे ओवा की टीचर मिलती है, जहां ओवा को पता चलता है कि उसकी दादी अब नहीं रही और वह रोने लगती है अपने टीचर के गले लगकर। जिसके बाद नेल उस जगह की तलाशी करता है जहां उसे एक पर्ची और उस सोल्जर का हथियार मिलता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह सच कह रही है। जिसके बाद नेल सेना के अधिकारियों से मदद मांगता है,
लेकिन फारूक उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि वह आर्मी जनरल का हेड है और वह उन्हें किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहता। पर नील कहता है कि वह उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेगा। जिसके बाद जेल में सभी कैदी अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं और उसका रूबी अपनी फैमिली के इम्पोर्टेंस को समझ चुका होता है। वहीं मेमो के भी फांसी का दिन भी नजदीक आ चुका होता है और वहीं दूसरी तरफ ओवा अपने डैड से बात कर रही होती है और कहती है कि उसकी दादी अब नहीं रही। यह सुनकर मेमो काफी रोता है। वहीं दूसरी तरफ वह भागा हुआ सोल्जर भी पकड़ा जाता है आर्मी वालों के हाथों, जहां वह लेफ्टिनेंट फारूक को उस दिन की सारी सच्चाई बताता है। जहां फारूक तुरंत नील के पास जाता है और उसे यह सब बताता है, लेकिन बदकिस्मती से यह सारी जानकारी जनरल के पास भी पहुंच जाती है कि मेमो की बेगुनाही का सबूत मिल गया है। जिसके बाद जनरल उस गवाह को अपने पास बुलाता है और वह सोल्जर उन्हें सारी बातें बता देता है जो उस दिन हुआ था। पर जनरल उसे उसी वक्त शूट कर देता है क्योंकि वह मेमो को ही अपनी बेटी का कातिल समझता था। जिसके बाद जेलर नेल और लेफ्टिनेंट फारूक वहां पहुंचते हैं उस गवाह को लेने, जहां उन्हें झूठ बताया जाता है कि वह सोल्जर भागने की कोशिश कर रहा था और इस बीच उन्हें गोली चलानी पड़ी। जिसके अगले दिन ओवा अपने फादर से मिलती है, जहां ओवा को यह पता नहीं होता कि आज उसके फादर को फांसी लगने वाली है और यह आखिरी बार है जब वे दोनों मिल रहे हैं। जहां मेमो खुद को काफी रोकता है रोने और निराश होने से, लेकिन अपनी बेटी से कुछ देरी बात करने के बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है, यह कहते हुए कि वह मरना नहीं चाहता, वह अपनी बेटी के साथ रहना चाहता है। जिसके बाद उसे अपनी बेटी से दूर कर दिया जाता है और उसे जेल ले जाया जाता है। रात के समय उसके फांसी देने का वक्त हो चुका होता है, जिसके बाद मेमो को गार्ड आकर ले जाते हैं और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है, जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। और वे सभी जो उसके दोस्त बन गए थे वह उसे बेबस होकर देखते रह जाते हैं। जिसके अगले दिन नील और फारूक मेमो के घर जाते हैं और उसे मेटल सिगरेट बॉक्स देते हैं और उसे उनके दो दिन पहले की प्लानिंग बताते हैं। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जहां ऑस्कोरो और यूसुफ बात कर रहे होते हैं कि मेमो को किस तरह बचाया जाए, जिस पर यूसुफ कहता है कि उसकी बेटी के जाने के बाद उसकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं है और वह मेमो के बदले खुद फांसी लेने को कहता है। जहां वे एक साथ मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि फांसी देने के दौरान मेमो को भी यूसुफ से बदल दिया जाएगा, जहां यूसुफ सभी को अलविदा कहता है और अपने मेटल सीक्रेट बॉक्स को जेलर के हाथों में दे देता है। और यह बात बताते हुए नील ओवा को उसके फादर से मिलाता है और वे दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और काफी खुश होते हैं। जिसके बाद जेलर नील और ऑफिसर फारूक उसे इस जगह से दूर किसी अनजान कोने में भेज देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है मेटल के सीक्रेट बॉक्स को दिखाते हुए, क्योंकि यूसुफ ने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया ओवा। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।